नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का जिक्र होते ही जहन में खाकी वर्दी के साथ आंखों में चश्मा और सिर पर टोपी की तस्वीर बन जाती है। नेताजी को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी माँ भारती के एक सच्चे सपूत का दर्जा हासिल है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और आज यानी 23 जनवरी 2021 को उनकी 125वीं जयंती है। 1921 में प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई में उतरे सुभाष चंद्र बोस को उनके उग्र विचारों के कारण देश के युवा वर्ग का व्यापक समर्थन मिला और उन्होंने आजाद हिंद फौज में भर्ती होने वाले नौजवानों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का ओजपूर्ण नारा दिया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर रहस्य आज भी बरकरार है। देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेताजी की मौत को लेकर अब तक कई बातें कही जा चुकी है। अब तक सामने आए तथ्य यही बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मौत एक प्लेन दुर्घटना में साल 1945 में हुई थी। हालांकि ये भी सच है कि उस दुर्घटना के बाद नेताजी को लेकर कई और दावे किए जाते रहे। कोई कहता है कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में बच गए थे और दुनिया की नजरों में बचकर जिंदा रहे। हालांकि इन बातों का वैसे कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिल सका। बताया जाता है कि ताइवान में प्लेन दुर्घटना के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान नेताजी की मौत हो गई, पर कुछ दावे कई और इशारे भी करते हैं। आखिर नेताजी की उस आखिरी हवाई यात्रा की कहानी क्या है, क्या कुछ हुआ था उस दिन, आइए हम आपको बताते हैं। अगस्त 1945 का वो दूसरा हफ्ता था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद जापान बैकफुट पर आ चुका था और हथियार डाल चुका था। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी संकट गहरा रहा था। इंडियन नेशनल आर्मी के उनके सहयोगियों ने उनसे कहीं महफूज जगह जाने की सलाह दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी यही ठीक समझा। कई औपचारिकताओं और जिम्मेदारियों को अपने सहयोगियों को सौंपने के बाद नेताजी 17 अगस्त की सुबह बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचे। बैंकॉक तब जापान के कब्जे में था। नेताजी के साथ तब 6 और लोग आए थे। हालांकि जापानी इतने ज्यादा लोगों को एक साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। नेताजी ने तब वहां मौजूद जनरल इशोड़ा से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए उन्हें इन लोगों की जरूरत है और वे इन्हें नहीं छोड़ सकते। आखिरकार 2 अलग अलग हवाई जहाजों में इन्हें ले जाने की बात तय हुई। टीम सैगोन के लिए उड़ चली। यह आज के वियतनाम का एक शहर है जिसे हो ची मिन के नाम से जाना जाता है। सोगेन पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि जापानी आईएनए के लोगों के लिए अलग प्लेन मुहैया कराने को तैयार नहीं थे। युद्ध के हालात के कारण जापान के सहयोगी देशों ने भी बिना किसी निर्देश के प्लेन नहीं उड़ाने की सलाह दी थी। हालांकि एक प्लेन एयरड्रोम पर जरूर मौजूद था जो टोक्यो जा रहा था। इसमें पहले से ही 11 लोग बैठे हुए थे। इस विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक सीट देने की पेशकश जापान की ओर से की गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। नेताजी अपनी पूरी टीम को साथ ले जाना चाहते थे। आखिरकार आईएनए के अधिकारियों ने नेताजी को सुरक्षित करने के लिए उन्हें अकेले जाने की सलाह दी। उनके साथ के एक और शख्स को साथ ले जाने की बात हुई। नेताजी ने अपने साथ के लिए हबीबुर को चुना और जापानी भी इसके लिए तैयार हो गए। नेताजी को जिस विमान में सवार होना था वो 2 इंजन वाला बम वर्षक विमान था। इसमें 1 टन वजन ले जाने की क्षमता थी। 11 जापानी पहले से बैठे थे और नेताजी के साथ उनके एक सहयोगी को भी विमान में बैठना था। साथ ही नेताजी के साथ बक्से भी थे। विमान के पायलट ने बक्सों को काफी भारी बताते हुए उन्हें ले जाने से इनकार किया। हालांकि विमान के वजन को देखते हुए उनके सामने यही शर्त रखी गई कि या तो तीसरा शख्स भी नेताजी के साथ जा सकता है या फिर बक्से जा सकेंगे। आखिरकार नेताजी ने बक्सों को साथ ले जाने का विकल्प चुना। जानकारों के अनुसार विमान का इंजन
यहीं उड़ान के समय काफी आवाज करने लगा था। बहरहाल 17 अगस्त की शाम 5:20 पर विमान उड़ा। विमान को उस रात टूरेन में रुकना था और फिर अगले दिन सुबह इसे ताइपे और फिर वहां से टोक्यो के लिए उड़ान भरना था। टूरेन में विमान के पहुंचते ही पायलट ने कई हथियार और प्लेन में लगे मशीन गन वगैरह हटा दिए ताकि वजन कम हो सके। इसके बाद अगली सुबह 18 अगस्त को विमान ने ताइपे के लिए उड़ान भरी। योजना के अनुसार विमान को चीन के डालियान पहुंचना था। विमान ने 2 के करीब उड़ान भरी, जो आखिरी उड़ान साबित होने वाली थी। सुभाष चंद्र बोस विमान में पेट्रोल की टंकी के पीछे वाली सीट पर बाईं ओर थे। उनके पीछे उनके सहयोगी हबीबुर थे। इसके अलावा कई और जापानी अधिकारी बैठे थे। नेताजी का बैग उनके पैर के करीब रखा था। विमान अभी उड़ान भरने के बाद 20 से 30 मीटर की एल्टीट्यूड पर पहुंचा होगा कि एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद 3 या 4 और धमाके हुए। प्लेन के बाईं ओर का प्रोपेलर गिर गया। कंक्रीट रनवे के बाहर तक विमान क्रैश करते हुए 2 में टूट गया। इस हादसे में 7 लोगों की जान बच सकी। इस विमान क्रैश के बाद चारों ओर भयानक आग का मंजर था। नेताजी का शरीर पेट्रोल में भरा था और कपड़ों में आग लग गई थी। वे विमान के टूटे हिस्सों के बाहर आए और पीछे हबीबुर भी बाहर आए। नेताजी के कपड़ों में आग लगी थी। हबीबुर ने उन कपड़ों और स्वेटर को जल्दी से जल्दी नेताजी के शरीर से अलग किया। इस हादसे में बचे एक मेजर ताकाशी ने नेताजी को जमीन पर लिटाया और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। नेताजी का शरीर और चेहरा आग की गर्मी से तप रहा था। हबीबुर का हाथ और दाएं ओर का चेहरा भी झुलस चुका था। हालांकि उनके कपड़ों में आग नहीं लगी थी। आनन फानन में सभी घायलों को पास के मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें नेताजी की स्थिति सबसे गंभीर थी। जलने के कारण उनके शरीर का चमड़ा कई जगहों पर राख जैसा काला हो गया था। चेहरे और आंख सूज गए थे। उनकी इंजरी 3rd degree की थी, जो आग से जलने के मामले में काफी खतरनाक मानी जाती है। नेताजी की हालत हालांकि खराब होती जा रही थी। उन्हें 3 इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए गए। कुछ खून उनके शरीर से निकाला गया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक शाम करीब 7 या 7:30 उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और रात 8 के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।